ओम शांति। यदि हम फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में आ जाते हैं तो हमारा ये जीवन संसार के लिए वरदान बन जाता है, और फरिश्ते स्वरूप में रहने वालों के सिर पर स्वयं बाबा छत्र छाया बनकर रहता है। उनके जीवन में यदि कोई विघ्न आता है तो बाप दादा स्वयं उनकी सुरक्षा करने लगते हैं। बहुत सुंदर बात है, भगवान हमारी केयर करे, वो हमारा ध्यान रखे। तो आइए हम फरिश्ते बनने की ओर आगे बढ़ें, हम अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप का आह्वान करें और हमें अपना ये फरिश्ता स्वरूप बहुत ही स्पष्ट अनुभव में आना चाहिए, बहुत क्लियर विजुअलाइजेशन होनी चाहिए। और इसकी विजुअलाइजेशन का स्वरूप है कि मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, प्रकाश की देह में विराजमान हूँ और मुझसे चारों ओर प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। इस तरह मैं हो गया डबल लाइट। दूसरा डबल लाइट का अर्थ आत्मा ज्योति स्वरूप और मन भी पूरी तरह लाइट। तो जब आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाती है, जब वो बिल्कुल लाइट हो जाती है, मन बिल्कुल हल्का, कोई बोझ नहीं, बेफिक्र बात, निश्चिंत जीवन, एक बल एक भरोसे जीने वाले, तब ये हमारा फरिश्ता स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। फरिश्ता अर्थात जो निरंतर योग युक्त हो, जिसके चित्त में सभी के लिए कल्याण की भावना, शुभ भावनाएं भरी हुई हो, जो ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत तेरे मेरे सबसे परे हो गए हो, जो बिल्कुल आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए हो। इसलिए चाहे बहन फरिश्ता बने चाहे भाई फरिश्ता बने, दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयुक्त है, फरिश्ता, न कि फरिश्ती। इसका अर्थ है जो नर और नारी के भान से ऊपर उठ गए वे फरिश्ते हैं, जिनके पैर इस धरती को टच नहीं कर रहे हैं वे फरिश्ते हैं, अर्थात जो इस संसार के आकर्षण से ऊपर उठ चुके हैं, जिन्हें संसार का कोई भी प्रलोभन अपनी ओर खींचता नहीं है वे फरिश्ते हैं। तो आइए हम इस वरदानी स्वरूप को धारण करके इस संसार का कल्याण करें, क्योंकि इसी स्वरूप के द्वारा हमें सारे संसार को संदेश भी देना है और श्रेष्ठ वाइब्रेशंस भी देने हैं। क्योंकि कई सारे धर्म ऐसे हैं जो केवल फरिश्तों में ही विश्वास करते हैं, उनमें भावनाएं रखते हैं, वो भगवान आदि की बात नहीं जानते, न उसका उन्हें ज्ञान है, वो केवल फरिश्तों की ही मान्यता रखते हैं। तो हम अपने फरिश्ते स्वरूप के द्वारा भविष्य में इन सभी आत्माओं को ईश्वरीय संदेश देंगे, मुक्ति का संदेश देंगे, घर जाने का संदेश देंगे। तो आइए हम बहुत तत्परता से अपने स्वरूप को बढ़ाएं, देखा करें अपना ये स्वरूप। अपने सामने थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, हम उसका आह्वान करें, आ जाओ हे मेरे संपन्न स्वरूप, आ जाओ, तुम्हारी बहुत जरूरत है। और हम चलें अपने इस महान स्वरूप की स्थिति में, निरंतर आगे बढ़ते चलें, लेकिन हम अपनी भावनाओं को भी चेक करते चलें। तो आज सारा दिन बहुत अच्छी तरह फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करना है, हर घंटे में एक बार अपने तेजस्वी स्वरूप को देखना है और ग्लोब पर खड़े होकर सारे संसार को
संपूर्ण प्रकृति को पवित्रता के और शक्तियों के वाइब्रेशंस देने हैं। तो सारा दिन बार बार अभ्यास करेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान फरिश्ता हूँ, ग्लोब के ऊपर हूँ और मुझसे चारों ओर पवित्र वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। ओम शांति।